स्टार प्रदीप पांडे चिंटू ने खरीदी महंगी कार, जानिए कितनी है उसकी कीमत। नमस्कार, मैं श्वेता और आप देख रहे हैं न्यूज फाउंडेशन। सुपरस्टार प्रदीप पांडे चिंटू का 2023 जो साल है काफी ज्यादा अच्छा माना जा रहा है। जहां उन्हें हर तरफ बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिल रहा है, तो वहीं उन्होंने इस साल यानी कि अप्रैल के महीने में नई नई गाड़ी खरीदी, जी हाँ, जिसकी कीमत कई करोड़ रुपए बताई जा रही है। चलिए आज हम उनके बारे में कुछ जानते हैं और किस तरीके से इनकी जो किस्मत है वो बुलंदियों पर अब दिख रही है, तो चलिए आज हम इनके बारे में आपको विस्तार से बताते हैं। सुपरस्टार प्रदीप पांडे चिंटू के लिए साल 2023 बेहद खास रहा है। एक के बाद एक कई अवार्ड फंक्शन में बेस्ट एक्टर का अवार्ड जीतने के बाद अब चिंटू ने ब्रांड न्यू लग्जरी गाड़ी खरीद ली है। उनकी ये गाड़ी बेहद महंगी और ऐसी गाड़ी आज तक शायद ही किसी भोजपुरी स्टार के पास है। लेकिन चिंटू ने फिल्मों के बाद अब अपनी निजी लाइफ के लिए एक ब्रांड न्यू गाड़ी को शामिल कर लिया है, जिसके साथ उनका फोटो अब वायरल हो रहा है। इस फोटो में चिंटू अपनी ब्रांड न्यू गाड़ी में नजर आ रहे हैं। आपको बता दें कि चिंटू ने 2 करोड़ की कीमत वाली मर्सिडीज GLS 400 गाड़ी खरीदी है, जो बेहद एडवांस तकनीक से लैस है। वहीं आपको बताते चलें कि GLS 400 के साथ 4 सिलेंडर इन लाइन डीजल इंजन दिया गया है, जो 330 BHP ताकत और 700 NM पीक टॉर्क जनरेट करता है। कंपनी ने इस इंजन को 9G ट्रॉनिक ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन दिया गया है। सिर्फ 6.3 सेकेंड में ही ये USUV 0 से लेकर 100 किलोमीटर घंटे रफ्तार पकड़ लेती है। वहीं इसकी जो टॉप स्पीड है वो 238 किलोमीटर प्रति घंटे है। गौरतलब की बात तो ये है कि भोजपुरी सिनेमा के सुपरस्टार अभिनेता प्रदीप पांडे चिंटू ने इतिहास रच दिया था। उन्होंने इस साल लगातार 4 अवार्ड शो में बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिल चुका है। चिंटू को ग्रीन सिनेमा अवार्ड में बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिल रहा है। चिंटू ने को ग्रीन सिनेमा अवार्ड से पहले अयोध्या में आयोजित भोजपुरी सिने अवार्ड में 22 देशों के फिल्म जगत से जुड़े लोगों के बीच झारखंड इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में 17वें भोजपुरी फिल्म अवार्ड में बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिल चुका है। वे इन दिनों काजल राघवानी के साथ इश्क फरमा रहे हैं, यानी उनकी फिल्म इश्क आने वाली है। तो जहां सुपरस्टार प्रदीप पांडे चिंटू जो हैं वो काफी ज्यादा ही आजकल सोशल मीडिया पर एक्टिव भी रहते हैं, तो उन्होंने अपनी जो तस्वीरें शेयर की हैं न्यू गाड़ी के साथ वो काफी ज्यादा वायरल हो रही है। साथ ही साथ उनका 2023 जो है काफ़ी ज़्यादा खास रहा है। अब तक उन्हें 4 बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिल चुका है। इसके बाद उनकी जो ये महंगी गाड़ी जब से उन्होंने खरीदी है, तब से वो भोजपुरी इंडस्ट्री में काफ़ी ज़्यादा चर्चा में बने हुए हैं। कहा जा रहा है कि भोजपुरी इंडस्ट्री में शायद किसी के पास इतनी महंगी और इतनी लग्जरी जो है वो कार होगी। फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। और भी न्यूज़ और अपडेट के लिए देखते रहे न्यूज़ फाउंडेशन।